असलम आलिक बल्कि टू मेडिज अकैडमी टीचर सैद गुलदिशाह तो आज हम पैरामेडिक्स ट्रेनिंग कोर्सेज की इंट्रीटेज़ की प्रिपरेशन के हवाले से पास पेपर में से जो कि सिंध मेडिकल फैकल्टी की पास पेपर में से यानी कि सिंध मेडिकल फैकल्टी ने प्रीवियस ईयर जो पेपर कन्डक्ट किया था उसमें से मैं आपके साथ आज इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करूँगा यानी कि शुरू करें शेयर करूँगा तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सेशन जो है वो चल रहा है जिसमें इरोलमेंट्स जो हैं वो ओपन है आप इन ख़ुद को कर सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ्स वीडियो लेक्चर्स पास पेपर्स ये सारे जो हैं पैरामेडिक्स ट्रेनिंग कोर्सेज की इंट्री टेस्ट के लिए जो कि कंडक्ट की जानी है सिंध मेडिकल फैकल्टी के ज़रिए अट्ठाईस फेबरवरी सॉरी अट्ठाईस मई को आ, जो कि आने आ, ये जो करंट मंथ चल रहा है उसमें अट्ठाईस मई को टेस्ट ये कंडक्ट की जानी है तह, तो यहाँ पे वन मिनट जो है एडवर्टाइजमेंट का कंप्लीट हो चुका है और बातों का तो इसके अलावा अब शुरू करेंगे आज के वीडियो को तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन है जो कि यहाँ पे सीरीज़ वाइज अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरियल की तो छत्तीस होगा इट वॉज अर्थ अर्थ uh, तो यहाँ पे ऑप्शन uh, जो दिए गए हैं इट वॉज़ एन एन द तो यहाँ पे आपको पता है कि ये आर्टिकल्स होते हैं और यहाँ पे स्विटेबल हमें आर्टिकल लगाना है तो स्विटेबल आर्टिकल में से इट वाज एन आर्टिकल यहाँ पे दा भी लग लग सकता है लेकिन एन आर्टिकल जो है वो मोस्ट सूटेबल है सॉरी एन आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होगा इट वज़ एन अर्थ ओके क्योंकि हम <coughs> Uh, यहाँ पे एन अर्थ इसी uh, इस, uh, एन अर्थ को एक इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साउंड जो है वो कौन सा है वॉवल है और ई uh, e से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे एन लगेगा ओके okay? और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए द यूज़ होता है तो यहाँ पे द का भी प्रिफरेबर है uh, लेकिन सूटबल यहाँ पे कौन सा होगा एन होगा ओके द पेशेंट मस्ट वॉक पेशेंट मस्ट वॉक यानी कि पेशेंट को ज़रूर चलना चाहिए किस तरह से यहाँ पर अब हम देखेंगे कैसे कि यहाँ पर कौन सा एडवर्ब जो है हमें यूज़ करना है क्विकली केयरफुली आप ब्रेवली तो यहाँ पर क्विकली जो है आप यूज़ करेंगे सॉरी uh, केयरफुली uh, जो है वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और uh, बायो वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने मिस्टेक कर दी थी ओवर नाइट रिकॉर्डिंग की वजह से अभी भी मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वो नाइट को नाइट वाले सेशन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि सारा दिन पढ़ा के फिर उसके बाद काम सारे फिर थकावट की वजह से अगर कोई भी गलती बोलने में हो जाती है आज जो कि मैं नोटिस नहीं करता वो आप काइंडली इंफॉम कर दिया कर दिया करें कर दिया करें और आप करते भी हैं जिसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू एंड uh, तो इसका आंसर जो होगा वो केयरफुल होगा ओके okay? और उस दिन में बायोलॉजी के लेक्चर में भी हो, हो गया था वहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ह्यूमन uh, कौन सा गैस जो है वो रिलीज करता है ड्यूरिंग द रेस्परेशन के प्रोसेस में तो वहाँ वहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया था लेकिन उ, उसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा ओके okay? आंसर तो थैंक्स जिन्होंने मुझे बताया और उसके बाद माय सिस्टर गोज़ टू स्कूल मेरी सिस्टर स्कूल जाती है विद डैश फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑफ़ कोर्स सिस्टर के साथ हिज नहीं आएगा बिकॉज़ शी इज़ जेंडर जो है उसका वो शी है यानी कि इसका जेंडर जो है वो फेमी है तो यहाँ पे देयर भी नहीं लगेगा हेयर लगेगा एच ई आर लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो इसमें करेक्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीरीज़ के हिसाब से थर्टी नाइन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड फ्लाई का, तो का uh, लास्ट okay? तो में जो है uh, series number, series इसके से, 40, और पे एक और बात जो कि मैंने पहले क्लियर कर दिया लेकिन अब बताता चलो Uh, के इसमें सिर्फ़ फिफ्टी uh, एम सी क्यूज होते हैं और एक मार्क सॉरी uh, एक एम सी क्यूज के शायद uh, दो uh, जो है वो मार्क्स होती हैं और थर्टी थ्री परसेंटेज जिसकी आती है यानी कि वो पासिंग रेशो होता है थर्टी थ्री परसेंटेज ओके यहाँ पर चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग डिसिप्लिन की फर्स्ट नंबर ए ऑप्शन पे जो है वो करेक्ट है उसके बाद द पोएम नीम ट्री जो कि हमारे नाइन्थ के ओल्ड बुक में अब जो है मैंने चेक नहीं किया हुआ जो न्यू बुक्स जो हैं जो कि अभी न्यू एडिशन आ चुकी है जिसमें काफ़ी सारे बुक्स जो हैं चैप्टर्स एक दो काटे भी गए होंगे लेसन चेंज किए गए होंगे उसमें नीम ट्री जो है है या नहीं आप ज़रूर कंफर्म कर लें मैंने कंफर्म नहीं किया द नीम ट्री पोएम जो था वो रिटर्न कि, किसने लिखा था तो एल्सा काजी जो थी कलामा आई आई काजी की वाइफ उन्होंने ये लिखा था तो सीरीज़ के हिसाब से एम नंबर फोर्टी जो है वो है

तो शाह लतीफ़ जो थे वो किस के टाइप के पॉइट थे क्या वो पॉइंट ऑफ नेचर थे uh, सेंट पॉइट थे uh, सेंटली और यानी कि सूफियाना और काटली uh, पॉइट तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट होगा उसके बाद बनेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर की जानब जो कि है देजिटेट दे uh, वेजिटेबल्स और डेश द दे बास्केट तो यहाँ पे देखें वेजिटेबल ये जो क्वेश्चन है वो प्रिपोजिशन से पूछा गया है बेसिक से क्वेश्चन है और अंडर ऑन एंड इन तो यहाँ पे इन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा द वेजिटेबल्स आर इन द बास्ट उसके बाद शी सुफर्स शी सुफर्स डैश अ हर डिज़ीज़ शी सुफर्स फ्राम अ हर डिज़ीज़ तो फोर्टी फाइव क्वेश्चन जो हैं जो कि टेन क्वेश्चन सिलेबस में से मैंने आपको बताया था कि टेन क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के पोर्शन में से पूछे जाते हैं जो कि क्लियर हो चुके हैं इन शाला अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा या तो फिज़िक्स के ऊपर होगा या तो वो जी के ऊपर होगा जो कि जी के GK के फाइव क्वेश्चन होंगे तो वो जो वीडियो होगा वो बिल्कुल ही छोटा uh, सा होगा यानी कि शॉर्ट